बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम निमरा ज़फ़र। दिस इज़ द वीडियो बाय लीगल कंसेप्ट CSS PMS एंड लॉ। बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो डैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ द न्यू वीडियोज़। अवर टुडेज टॉपिक इज़ अबाउट द पावर्स ऑफ द अमेरिकन प्रेजिडेंट, दैट विच पावर्स आर गिवन टू द President of America. The Constitution of the United States vests a large number of executing powers in the hands of one individual, that is the President of United States of America. इसमें हमें ये बात बताई गई है कि जो US का Constitution है उसमें ये बात लिखी गई है कि तमाम executive powers जो हैं वो एक बंदे के सपोर्ट की जाएंगी, किसके? President of US. The President shall take care that the laws are faithfully executed and the President has the power to appoint and remove executive officers. जो President होगा US का, उसका ये काम है कि वो laws को execute करवाए faithfully in the country. And और President का ये भी, उसके पास एक power है कि वो जो अपने executive officers हैं उनको appoint भी कर सकता है और remove भी कर सकता है. नेक्स्ट इज़ अकॉर्डिंग टू लॉर्ड ब्रेस। लॉर्ड ब्रेस क्या कहते हैं? द अमेरिकन प्रेजिडेंसी इज़ द ग्रेटेस्ट ऑफिस इन द वर्ल्ड, कि अमेरिकन प्रेजिडेंसी जो है वो वर्ल्ड में ग्रेटेस्ट ऑफिस है। अकॉर्डिंग टू हॉकिंस, द अमेरिकन प्रेजिडेंट इज़ फोरमोस्ट रूलर इन द वर्ल्ड। फोरमोस्ट रूलर क्या होता है? फोरमोस्ट रूलर का मतलब है सबसे अहम हुक्मरान, कि अमेरिकन प्रेजिडेंट जो है वो वर्ल्ड में सबसे अहम हुक्मरान है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ प्रेजिडेंट्स पावर्स, कि प्रेजिडेंट के पास ये सब पावर्स आती कहाँ से हैं, उनकी सोर्स क्या है। तो सबसे पहली सोर्स क्या है? द फोर्थ सोर्स ऑफ प्रेजिडेंट्स पावर इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, इट्सेल्फ, कि सबसे पहले ये पावर्स प्रेजिडेंट को उनके US के कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती है। उनके कॉन्स्टिट्यूशन में हर बात रिटन लिखी गई है कि प्रेजिडेंट को कौन से इख्तियारात दिए जाएंगे। सेकेंड सोर्स ऑफ प्रेजिडेंट पावर इज़ सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट प्रेजिडेंट को इख्तियारात देती है। इट हैज़ इनहेंस्ड द अथॉरिटी ऑफ प्रेजिडेंट इन ऑल दोज केसेस इन विच कॉन्स्टिट्यूशन वाज नॉट क्लियर, जो बातें कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर नहीं थी वो तमाम इख्तियारात सुप्रीम कोर्ट ने प्रेजिडेंट को दिए, और वो तमाम प्रॉब्लम्स को प्रेजिडेंट सॉल्व करेगा जो कि उनके कॉन्स्टिट्यूशन में रिटन नहीं थी। इसमें हम एक एग्जाम्पल देखेंगे। The Constitution clearly describes the method of making appointments to the federal offices. के Constitution ने clearly ये बात तो बता दी कि appointments किस तरह होंगी federal offices की, but was silent about the mode of all federal officials was then given to President by the Supreme Court. लेकिन उसका mode नहीं बताया कि federal officials की जो appointment है वो किस तरह होगी, उनका system क्या होगा। इस तो ये इख्तियार Supreme Court ने किसको दिया? President को दिया, कि वो ये मसला खुद ही हल करेगा। Next, third one जो source है, a substantial source of presidential powers has been derived from the statutes of the Congress. उसके बाद ये प्रेजिडेंट को पावर्स कहाँ से मिलती हैं? स्टैट्यूट्स से मिलती हैं, कांग्रेस के। स्टैट्यूट्स होता क्या है? स्टैट्यूट्स ऐसे लिखे गए लॉज होते हैं जो स्टैट्यूट्स की फॉर्म में किसके पास पड़े होते हैं? कांग्रेस के पास। डेट पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रेजिडेंट, जो ये इख्तियारात और ये पावर्स जो हैं प्रेजिडेंट को देते हैं। नेक्स्ट है, द पावर ऑफ द प्रेजिडेंट हैज़ ऑल्सो बीन इंक्रीज थ्रू कन्वेंशन एंड यूजेज। अब वो ये बात बताते हैं कि प्रेजिडेंट को ये एक और सोर्स भी है कि प्रेजिडेंट को ये पावर्स जो हैं वो कन्वेंशंस और यूजेज से भी मिलती हैं। कन्वेंशंस और यूजेज होता क्या है? जब एक कस्टम जो है, रिवाज जो है, वो सोसाइटी में इतना प्रैक्टिस हो चुका होता है कि उसे लॉ का दर्जा दे दिया जाता है, तो वो कन्वेंशंस बन जाते हैं। कन्वेंशंस आर ऑल्सो लॉज। तो इसमें हम एक एग्जांपल देखते हैं, सेनेटोरियल कर्टसी विद रिस्पेक्ट टू अपॉइंटमेंट्स इन द हैंड्स ऑफ द प्रेसिडेंट बाय कन्वेंशंस। अब सेनेटोरियल कर्टसी जो है वो एक कन्वेंशन है, और इसकी ये इख्तियार जो है वो किसको दिया गया है? प्रेसिडेंट को दिया गया है। अब सेनेटोरियल कर्टसी होता क्या? सेनेटोरियल कर्टसी का मतलब है कि जब प्रेसिडेंट सेनेट के मशवरे और अप्रूवल के साथ ऑफिशियल्स की या
जो अपनी कोई भी अपॉइंटमेंट्स करता है ऑफिसर्स की या ऑफिशियल्स की, उसे बोलते हैं सेनेटोरियल कर्टसी। अब लास्टली, द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट इंक्रीज एनॉर्मसली ड्यूरिंग एमरजेंसी। अब एक और सोर्स है प्रेसिडेंट की पावर की, वो क्या है कि प्रेसिडेंट को बहुत सारी पावर्स दी जाती हैं एमरजेंसी की सूरत में, कि जब भी मुल्क में कोई एमरजेंसी होगी तो प्रेसिडेंट कोई भी ऑर्डर दे सकता है, उसको कहते हैं एमरजेंसीज की सूरत में उसके पास इख्तियार है। इसमें हम एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल, द प्रेसिडेंट हैड ऑलमोस्ट डिक्टोरियल पावर्स ड्यूरिंग द टू वर्ल्ड वॉर्स। टू वर्ल्ड वॉर्स जो हुई थी उनमें प्रेसिडेंट जो है उसके पास इख्तियार थे, कौन से डिक्टोरियल पावर्स थी उसके पास। डिक्टोरियल पावर्स क्या होता है कि एमरजेंसी की सूरत में जो प्रेसिडेंट होता है वो कोई भी ऑर्डर देता है, कोई भी ऑर्डर पास करता है, तो उसे कहते हैं डिक्टोरियल पावर्स। नेक्स्ट है पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, के प्रेसिडेंट के पास और कौन कौन सी पावर्स होती हैं। तो ये फ्लो चार्ट में हमें दिखाया गया है कि एग्जीक्यूटिव पावर्स, लेजिस्लेटिव पावर्स, फाइनेंशियल पावर्स एंड जुडिशियल पावर्स, ये पावर्स भी प्रेसिडेंट के पास होती हैं। अब हम इन्हें डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आ जाता है एग्जीक्यूटिव पावर्स, के प्रेसिडेंट के पास कौन कौन सी एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं। द प्रेसिडेंट एक्सरसाइजेस एग्जीक्यूटिव पावर्स इन द फॉलोइंग वे अमंगस्ट मैनी। सबसे पहले एज अ चीफ एडमिनिस्ट्रेटर, प्रेसिडेंट जो है वो एज अ चीफ एडमिनिस्ट्रेटर भी काम करता है। द प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ द नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रेसिडेंट जो है वो नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन का हेड होता है कि तमाम काम किस तरह किए जाए, इंतज़ामी ताकतें सारी, एग्जीक्यूटिव पावर्स जो हैं वो किसके पास होती हैं, प्रेसिडेंट के पास होती हैं। ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स होते हैं उनकी एनफोर्समेंट, उनको अमल में लाने के लिए ये जिम्मेदारी किसको सौंपी गई, प्रेसिडेंट को। ही हैज़ द पावर ऑफ पार्डन, कि वो पार्डन ग्रांट कर सकता है, पार्डन का मतलब होता है माफ़ी, एक्सेप्ट डैट ही कैन नॉट पार्डन एन ऑफेंडर हु हैज़ बिन पनिश्ड बाय इम्पीचमेंट, लेकिन वो उस ऑफेंडर को माफ़ी नहीं दे सकता जिसके ऊपर इम्पीचमेंट का केस हो। इम्पीचमेंट क्या होता है कि ऐसा कोई भी गवर्नमेंट का ऑफिशियल जिसको अपने ओहदे से बर्खास्त किया गया हो, क्यों, क्योंकि उसने कोई ऐसा काम किया हो जो उसे नहीं करना चाहिए या उसकी जो ड्यूटीज़ हैं उसके ख़िलाफ़ वो काम हो, तो उसको इम्पीचमेंट के थ्रू उसके ओहदे से बर्खास्त कर दिया जाता है। तो ऐसा अगर कोई केस हो तो उस सूरत में जो प्रेसिडेंट है वो माफ़ी नहीं दे सकता, लेकिन उसके अलावा वो किसी भी केस में किसी को भी माफ़ी दे सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एज़ अ कमांडर इन चीफ, जो प्रेसिडेंट है वो एज़ अ कमांडर इन चीफ भी काम करता है। द प्रेसिडेंट इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ़ द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड स्टेट की जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनमें एज अ कमांडर इन चीफ जो है वो प्रेसिडेंट काम करता है। ही अपॉइंट्स मिलिट्री ऑफिसर्स, वो मिलिट्री के जितने ऑफिसर्स होते हैं उन्हें अपॉइंट भी करता है विद द एडवाइस एंड कंसेंट ऑफ सेनेट, सेनेट के अप्रूवल के साथ। ही कैन रिमूव द मिलिट्री ऑफिसर्स एट विल, वो उनको रिमूव भी कर सकता है। ऑल दो द पावर टू डिक्लेयर वॉर वेस्ट इन द कांग्रेस, बेशक जो वॉर जो है, जंग की पावर जो है वो कांग्रेस के पास है, कांग्रेस उसको बताएगी कि कब जंग होगी, येट द प्रेजिडेंट कैन मेक वॉर, लेकिन उसके बावजूद जो है वो प्रेजिडेंट जो है वो जंग का ऐलान कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है एज एक्सपोनेंट ऑफ फॉरेन रिलेशंस, के प्रेसिडेंट जो है वो फॉरेन रिलेशंस मतलब खारजी ताल्लुकात में एज एक्सपोनेंट भी काम करता है। अब खारजी ताल्लुकात में एज एक्सपोनेंट वो कैसे काम करता है, एक्सपोनेंट होता है एडवोकेट, जो प्रमोट करता है अपने मुल्क के दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात को प्रमोट करने वाला। द प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट द यूएसए इन फॉरेन रिलेशंस, वो प्रेसिडेंट जो है वो यूएसए को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ही फॉर्मुलेट्स द फॉरेन पॉलिसी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, के वो यूनाइटेड स्टेट की जो फॉरेन पॉलिसी है उसे फॉर्मुलेट करता है या बनाता है। ही अपॉइंट्स ऑल द डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द यूएसए टू फॉरेन स्टेट्स विद द कंसेंट ऑफ सेनेट। अब सेनेट की कंसेंट के साथ जो फॉरेन रिलेशंस बनाने के लिए जो रिप्रेजेंटेटिव्स को वो अपॉइंट करता है वो सेनेट के अप्रूवल के और मशवरे के कंसेंट के साथ करता है।
यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ ली उसकी एग्जीक्यूटिव पावर्स। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गिवन प्रेसिडेंट एंड कांग्रेस सेपरेट अपार्टमेंट्स। कि थ्योरी ऑफ सेपरेशन जो है, मतलब थ्योरी ऑफ सेपरेशन है कि स्टेट के थ्री पिलर्स होंगे, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। अब अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात लिखी गई है कि प्रेसिडेंट के अलग इख्तियार होंगे और कांग्रेस के अलग, ये दोनों अलग अलग अपार्टमेंट्स हैं। द कांग्रेस आर द रियल लॉ मेकिंग बॉडी। अब यहाँ पे कांग्रेस जो है वो रियल लॉ मेकिंग बॉडी है, लॉज बनाते हैं, क्योंकि कांग्रेस क्या है, लेजिस्लेशन है, लेजिस्लेशन का काम होता है लॉज बनाना। तो कांग्रेस जो है वो रियल लॉ मेकिंग बॉडी है। द प्रेसिडेंट कैन ओनली परसुएट एंड रिक्वेस्ट द कांग्रेस। लेकिन जो प्रेसिडेंट है वो सिर्फ कांग्रेस को रिक्वेस्ट कर सकता है, मना सकता है। किस लिए? अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि कोई न्यू लॉ बनना चाहिए तो वो कांग्रेस को उस चीज़ के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है कि ये लॉ बनाया जाए, क्योंकि कांग्रेस ही असल लॉ मेकिंग बॉडी है। फॉर एनेक्टमेंट ऑफ द पर्टिकुलर लॉ बट ही कैन नॉट थ्रेटन इट एज इन द केस विद द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। लेकिन इस चीज़ के लिए वो थ्रेट नहीं कर सकता, कांग्रेस को डरा धमका नहीं सकता, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। नेक्स्ट पॉइंट है मैसेज। ये भी लेजिस्लेटिव पावर्स में आ जाता है कि प्रेसिडेंट के पास एक पावर ये भी होती है, द प्रेसिडेंट मे सेंड मैसेज टू द हाउस ऑरली और इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट्स। कि जो प्रेसिडेंट है वो कांग्रेस को एक मैसेज भेज सकता है, कोई भी अगर उसे लगे कि कोई लॉ बनना चाहिए तो वो ऑरली भी एक मैसेज भेज सकता है और रिटन डॉक्यूमेंट्स में भी भेज सकता है। एज द मैसेज कम फ्रॉम द प्राइवेट फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट, सो दीज मैसेज कैन नॉट बी इजिली इग्नोर्ड बाय द कांग्रेस। तो ये जब मैसेज भेजेगा तो ये वाले प्रेसिडेंट के मैसेजेस जो हैं वो कांग्रेस में इजिली इग्नोर नहीं किए जा सकते। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इसी में, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। व्हाट इज़ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन? डेलीगेटेड का मतलब क्या होता है? कि जिम्मेदारियां कुछ सुपुर्द कर दी जाएं किसी के। ही हैज़ द पावर टू मेक रूल्स एंड रेगुलेशंस इन द फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स। अब जो प्रेसिडेंट है उसके पास ये पावर है कि वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स दे सकता है, क्योंकि प्रेसिडेंट कौन है, एग्जीक्यूटिव है। अब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स का क्या मतलब होता है? प्रेसिडेंट ऑर्डर्स दे सकता है किसी भी वक्त, कोई भी ऑर्डर प्रेसिडेंट दे सकता है। तो ये उसकी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन होगी कि वो रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकता है। दिस इज़ कॉल्ड डेलीगेटेड लेजिस्लेशन और रूल मेकिंग पावर, के रूल मेकिंग पावर उसको दी गई है। नेक्स्ट इज़ वीटो पावर। वीटो पावर क्या होती है? ऑल बिल पास्ड बाय द कांग्रेस मस्ट बी रेफर टू प्रेसिडेंट फॉर हिज फाइनल अप्रूवल। जब भी कांग्रेस में कोई लॉ बनता है तो वो फाइनल अप्रूवल के लिए या दस्तखत के लिए किसके पास भेजा जाता है? प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है। ही मे गिव हिज असेंट टू अ बिल, रेफर टू हिम एंड द बिल विल बी बिकम एन एक्ट। वो जो है प्रेसिडेंट है, जब उसके पास बिल भेजा जाएगा तो वो उसको उसके ऊपर अपनी असेंट भी दे सकता है। असेंट का मतलब क्या होता है? कंसेंट, अपनी रजामंदी भी दे सकता है, और उसके अगर वो रजामंदी दे देगा तो वो बिल क्या बन जाएगा? एक्ट बन जाएगा। ही मे रिजर्व द बिल विद हिम, लेकिन वो बिल को अपने पास रिजर्व भी कर सकता है, अपने पास भी रख सकता है। कितने अरसे के लिए? फॉर 10 डेज। बट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 10 डेज, 10 डेज जब ख़त्म हो जाएंगे, अकॉर्डिंग टू लॉ के अकॉर्डिंग द बिल इज़ प्रूव्ड विदाउट द सिग्नेचर ऑफ द प्रेजिडेंट। तो वो जो बिल प्रेजिडेंट के पास अप्रूवल के लिए भेजा गया था, उसके सिग्नेचर के बगैर ही उस पर काम शुरू हो जाएगा, वो अप्रूव हो जाएगा। ही मे रिजेक्ट अ बिल, वो बिल को रिजेक्ट भी कर सकता है, एंड मे रिटर्न इट टू द हाउस विद और विदाउट अमेंडमेंट्स। और वो कांग्रेस हाउस को, मतलब कांग्रेस को वो बिल वापस भेज भी सकता है अपनी किसी भी अमेंडमेंट के बगैर। अमेंडमेंट करके भेजे या अमेंडमेंट किए बगैर भेजे, लेकिन वो बिल को रिजेक्ट करके वापस भेज सकता है। अमेंडमेंट क्या होती है? अमेंडमेंट का मतलब होता है चेंजेस। नेक्स्ट पॉइंट है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो क्या होता है? जैसे हम लोगों ने वीटो पावर पढ़ा, पॉकेट वीटो भी बिल्कुल वैसे ही है, लेकिन इसमें देर इज़ अ लिटिल बिट डिफरेंस। इफ़ द बिल इज़ सेंट टू द प्रेसिडेंट ऑफ द एंड ऑफ द सेशन, अगर प्रेसिडेंट को बिल भेजा जाए अप्रूव करवाने के लिए एट द एंड ऑफ द सेशन ऑफ द कांग्रेस, कांग्रेस का सेशन एंड होने वाला है उसके, तब वो अगर बिल अप्रूवल के लिए प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है, ही कैन किल द बिल सिंपली नॉट टेकिंग एनी एक्शन अपॉन इट।
तो प्रेसिडेंट उस बिल को किल कर सकता है, मतलब अपने पास रख सकता है, सिंपली नॉट टेकिंग एनी एक्शन अपॉन इट, किसी भी एक्शन लिए बगैर। दिस इज़ कॉल्ड पॉकेट वीटो। इसे हम पॉकेट वीटो कहते हैं कि वो बिल को अपने पास रख लेता है ताकि सेशन एक्सपायर हो जाएगा कांग्रेस का, तो ऑटोमेटिकली वो बिल वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। ही सीज़ टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डिसीजंस ऑफ द कोर्ट। वो क्या क्या किन कामों को देखता है कि कोर्ट जब कोई डिसीजन देती है तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन करवाता है। ही एनफोर्सेस द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉज ऑफ द कंट्री, कि वो जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो लॉज हैं उसको कंट्री में एनफोर्स करवाता है। द पॉकेट वीटो पावर इज़ एन इफेक्टिव लेजिस्लेशन पावर इन द हैंड्स ऑफ द प्रेजिडेंट। ये एक लेजिस्लेटिव पावर है जो प्रेजिडेंट के हाथ में है। ये पावर उसको दी गई है कि वो पॉकेट वीटो कर सकता है, और बहुत से प्रेजिडेंट हैं अब तक गुजरे हैं जिन्होंने ये काम किया है। ड्यूरिंग द लास्ट 10 डेज ऑफ द सेशन ऑफ द कांग्रेस, कांग्रेस के सेशन एक्सपायर होने में अगर 10 डेज रहते हैं, द प्रेजिडेंट पोजेसिस एन एब्सोल्यूट वीटो पावर। तो प्रेजिडेंट के पास ये इख्तियार है कि वो बिल को वीटो कर सकता है, उसके पास पॉकेट वीटो पावर होती है। एट द एंड ऑफ दिस सेशन न्यूमरस बिल्स एंड रेजोल्यूशंस आर पास्ड बाय द कांग्रेस। कांग्रेस अपने सेशन के एंड पे बहुत से बिल को पास करती है और प्रेजिडेंट को के पास अप्रूवल के लिए भेजती है, इन ऑर्डर टू क्लियर अप इट्स एरिया, कि वो अपने उस एरिया को क्लियर कर ले, अपने काम को क्लियर कर ले। अ कंसिडरेबल नंबर ऑफ लास्ट माइन्यूट बिल कैन दस बी किल्ड बाय द प्रेजिडेंट इफ़ ही इज़ अगेंस्ट दैम। अगर प्रेजिडेंट उन बिल्स के अगेंस्ट है तो वो उनको किल कर सकता है, मतलब अपने पास रख सकता है जब तक सेशन एक्सपायर नहीं हो जाता। दिस पावर हैज़ बिन फ्रीक्वेंटली यूज बाय द वेरियस प्रेजिडेंट। ये पावर बहुत से प्रेजिडेंट ने यूज़ की है। इन केस ऑफ सिंपल वीटो, अ बिल रिजेक्टेड बाय द प्रेजिडेंट इज़ रीपार्स बाय 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द कांग्रेस इन ईच हाउस। जब सिंपल वीटो करने की बात आती है, तो प्रेजिडेंट जो है वो बिल को सिंपली रिजेक्ट कर देता है और वापस भेज देता है कांग्रेस के पास। उसके बाद वो 2/3 मेजॉरिटी की कंसेंट के साथ ही वो एक्ट बनता है, नहीं तो नहीं बनता। अप टू 1966 द अमेरिकन प्रेजिडेंट हैड वोटेड 2,234 बिल्स पास्ड बाय द कांग्रेस। 1966 तक, अब तक अमेरिकन प्रेजिडेंट जो है उन्होंने वीटो किए हैं बिल, कितने वीटो किए गए हैं, 2,234 बिल जो कांग्रेस ने पास किए थे। नेक्स्ट पॉइंट इज थ्रेट ऑफ वीटो। थ्रेट ऑफ वीटो हैंग्स लाइक अ स्वॉर्ड इन द हेड ऑफ द कांग्रेस, कि कांग्रेस के सर पे ये वीटो पावर जो प्रेसिडेंट के पास है उसका जो खौफ होता है ये कांग्रेस के सर पे तलवार की तरह लटकता है। दे डू नॉट लाइक टू वेस्ट देयर टाइम ऑन अ बिल विच इज़ अल्टीमेटली गोइंग टू बी वीटोड बाय द प्रेसिडेंट। वो ऐसे किसी भी बिल पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते जो आखिरकार जो प्रेसिडेंट जो है उसको वीटो कर ले, अपने पास रख ले, और आखिरकार वो बिल जो है वो ख़त्म हो जाए वहीं पे। हेंस इट इज़ नॉट एन एम्प्टी थ्रेट। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फाइनेंशियल पावर्स, के प्रेसिडेंट के पास कौन कौन सी फाइनेंशियल पावर्स हैं। हम लोगों ने 4 पावर्स पढ़नी थी, लेजिस्लेटिव पावर्स, एग्जीक्यूटिव पावर्स, फाइनेंशियल पावर्स एंड जुडिशियल पावर्स। लेजिस्लेटिव पावर्स भी हम पढ़ चुके हैं और एग्जीक्यूटिव पावर्स भी हम पढ़ चुके हैं, अब आ जाता है फाइनेंशियल पावर्स। ऑल्दो द कंट्रोल ओवर द फेडरल फाइनेंसिस हैज़ बिन वेस्टेड इन द कांग्रेस। बेशक ये कांग्रेस का काम है कि तमाम फेडरल फाइनेंस जो है वफाकी मालियात के सारे काम कांग्रेस देखेगी, येट इन एक्चुअल प्रैक्टिस, लेकिन असल में जो है द प्रेजिडेंट डायरेक्ट्स एंड कंट्रोल फाइनेंस। ये काम कौन करता है, कंट्रोल फाइनेंस को कौन करता है, प्रेजिडेंट करता है। द बजट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द ब्यूरो ऑफ द प्रेजिडेंट। प्रेजिडेंट का जो ब्यूरो है वो बजट क्रिएट करता है। द प्रेजिडेंट इज़ दस जनरल मैनेजर ऑफ द फाइनेंशियल अफेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो प्रेजिडेंट जो है वो गवर्नमेंट के फाइनेंशियल जितने भी अफेयर्स होते हैं, मालियात के जितने अफेयर्स होते हैं, उनका जनरल मैनेजर होता है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जुडिशियल पावर्स। प्रेसिडेंट के पास कौन कौन सी जुडिशियल पावर्स होती हैं। द प्रेसिडेंट हैज़ द पावर ऑफ पार्डन। प्रेसिडेंट जो है वो किसी भी बंदे को किसी भी केस में पार्डन ग्रांट कर सकता है, माफ़ी दे सकता है, एंड एमनेस्टी, एमनेस्टी भी आम माफ़ी को ही कहते हैं, एक्सेप्ट डैट ही कैन नॉट पार्डन एन ऑफेंडर हु हैज़ बीन पनिश्ड बाय इम्पीचमेंट। लेकिन इम्पीचमेंट के केस में वो पार्डन ग्रांट नहीं कर सकता, माफ़ी नहीं दे सकता। द प्रेजिडेंट अपॉइंट्स द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विद द कंसेंट ऑफ द सेनेट। प्रेजिडेंट जो है वो सेनेट की कंसेंट के साथ और मशवरे के साथ सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उन्हें अपॉइंट करता है। दस ही इंजॉय सम जुडिशल
पैरागॉन, इसीलिए इसके पास कुछ जुडिशियल पावर्स हैं जिनको वो इंजॉय करता है। नेक्स्ट पॉइंट है कंस्ट्रेंट्स ऑन प्रेसिडेंशियल पावर्स। कंस्ट्रेंट्स का मतलब होता है रुकावटें। अब प्रेसिडेंशियल पावर्स एंड इन्फ्लुएंस में हैव लिमिट्स, इसकी लिमिट्स भी होती हैं, बट पॉलिटिकली द प्रेसिडेंट इज सर्टेनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर इन वाशिंगटन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर होती है एंड फर्दर मोर इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड इन्फ्लुएंशियल ऑफ ऑल अमेरिकन। ये बहुत फेमस होता है और असरअंदाज भी होता है। दो द कंस्ट्रेंट्स बाई वेरियस अदर लॉज पास बाई द कांग्रेस, द प्रेजिडेंट्स एग्जीक्यूटिव ब्रांच कंडक्ट मोस्ट फॉरन पॉलिसी एंड देयर पावर टू ऑर्डर एंड डायरेक्ट ट्रूप्स एंड कमांडर इन चीफ इज़ क्वाइट सिग्निफिकेंट। इसके बाद बहुत सारी पावर्स होती हैं। ये एग्जीक्यूटिव ब्रांच के तौर पर भी काम करता है, फॉरन पॉलिसी भी बनाता है, उसके अलावा ये कमांडर इन चीफ के तौर पर भी काम करता है और एक ये बहुत सिग्निफिकेंट रोल है। नेक्स्ट लास्ट पे आ जाता है कंक्लूजन। द पावर ऑफ द प्रेजिडेंट आर नॉट लिमिटेड टू दोज ग्रांट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कि सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में जो पावर्स लिखी गई हैं सिर्फ उसी हद तक उसकी पावर्स नहीं है प्रेजिडेंट की, उसके अलावा भी उसे बहुत सारी पावर्स दी गई हैं। प्रेजिडेंशियल अथॉरिटी हैज़ एक्सपेंडेड थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरेंट पावर्स एज वेल एज द लेजिस्लेटिव एक्शंस। इसके अलावा भी उसे पावर दी गई हैं, कानून साजी के अमल के तहत भी उसे पावर्स दी गई हैं। इट्स ऑल अबाउट द लेक्चर। आई होप आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।